दिखने वाला भगवान यानी किंग। चल देखते हैं तेरा भगवान तुझे कैसे बचाता है। उड़ा दो उसे। तेरे बारे में मैंने बहुत सुना था, आज तुझे मिल भी लिया। बस ये याद रखना कि मैं एक करंट हूँ जो लाइट भी जलाता हूँ और तुम जैसों को राख भी कर देता हूँ। मेरे अड्डे पर आकर मुझे ही धमका रहा है। जानता है इस जुर्रत के लिए क्या इनाम मिलेगा? तेरे ही सामने तेरे भाई की मौत। मेरे भाई को तुम में से जिसने भी छुआ उसकी लाइफ की गारंटी यहीं पे खत्म। ट्राई कर लो। इसे छू के बता, चल छू के बता। बोल इसकी सुपारी किसने दी? किंग अपने लोगों की रक्षा करना जानता है और तुझ जैसे लोगों को कुचलना भी। मैं यहाँ तुझे रोकने नहीं बल्कि ये कहने आया हूँ कि तुम मुझसे टकरा, मुझसे, मेरी फैमिली से नहीं। और एक बात सुन ले, अगली बार किंग की फैमिली पर हाथ उठा तो तू इस दुनिया से उठ जाएगा। यह धमकी नहीं है। माँ क्यों परेशान हो रही हो? अजय लंदन ही तो गया है, वापस आ जाएगा। नहीं बाबा, भाभी इसलिए परेशान है कि तुम उत्तरांचल जा रहे हो। हाँ बेटा, याद है ना पंडित जी ने कहा था ये साल तुम्हारे लिए अशुभ है, इसलिए सफर पर मत जाओ। पर माँ मुझे तो जाना ही पड़ेगा, फैक्ट्री में थोड़ा सा प्रॉब्लम है जो मुझसे ही सॉल्व होगा। दो दिन में लौट आऊंगा, प्रॉमिस। राजा बाबू, भैया के जाने के बाद तुम ही हम सबकी हिम्मत हो। जब तक आप सबका प्यार मेरे साथ है बुआ जी, मुझे कुछ नहीं बात है। नहीं है। भांजे, सुना है शहर से बाहर जा रहे हो? गोपी मोहन बता रहा था। बात यह है कि कल से तुम्हारी बुआ गहने 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 चिल्ला रही है, सोने का भाव भी गिर गया है। अगर तुम मुझे 5 लाख दे दो तो पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया पर बैट लगा दूंगा। थू, मैंने तो बैटिंग छोड़ दी है, चुप क्यों हो? कुछ बोलो ना। आपको इंडिया पर भरोसा नहीं और मुझे आप पर। साधु भाई, आप जानते हैं कि किंग को झूठ से चिढ़ है। सीधी तरह कहिए, आपको पैसे चाहिए तो जरूर मिल जाएंगे, है ना बेटा? सपने मत देखिए, मैं आप तीनों को अच्छी तरह जानता हूँ। मेरा मुंह मत खुलवाइए, जाइए अपना अपना काम कीजिए। अरे इतने साफ इनकार के बाद कुत्तों की तरह हड्डी के पास क्यों खड़े हो? चलो यहाँ से। अच्छा बेटा, हम चलते हैं। आपको गहने चाहिए ना बुआ जी? अगर गहने चाहिए होते तो तुमसे कहती, उनसे कभी ना कहती, वो तो झूठे हैं। अच्छा जवाब दिया तुमने। भांजे, अरे भांजे, कुछ भूल तो नहीं गए ना? भूल तो आप गए हैं। अरे मैं क्या भूल गया है? हैंड पैन ना। सॉरी सॉरी, तुम्हारे शहर जाने की तैयारी में मैं भूल ही गया। अच्छा तुम्हें अपनी माँ से कुछ कहना है? उनसे सिर्फ इतना ही कहना कि टेंशन ना ले, मैं सही सलामत लौट आऊंगा। ओके मामा जी। ओके भांजे, बाय 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 बाय।
दीदी से कहना है सही सलामत। हाँ सही सलामत वापस आ जाएगा। सही सलामत, सही सलामत। क्या है? क्या है, चिल्ला क्यों रही हो तुम? आपने बैट नहीं पहनी है। हाँ वो तो किंग ने बताया था, लेकिन उसने कुछ और भी कहने को कहा था। अब मुझे क्या पता क्या कहने को कहा था। हाँ तुम्हें कैसे पता होगा, लेकिन उसने मुझे कुछ कहा था। क्या कहा था कहने को? इस किंग ने तो हमारी कमाई के सारे रास्ते बंद कर दिए। दादू अपना कर्जा वापस मांग रहा है, अगर हमने पैसे नहीं दिए तो वो हमें अंदर करवा देगा। क्या करें? ये फोन को भी अभी बजना था, दादू का फोन। 100 साल जिएगा कमीना। वो तो 100 साल जिएगा, लेकिन अगले साल तुम्हारी बरसी होगी। अरे खाली पीले डराओ मत, मेरे शफी का फोन है। शफी ऑस्ट्रेलिया पर 50,000 का बेट लगा दो। क्या बात है अप्पा, फोनवा काहे काट दिए? दादू भैया ये फोन आपके पास कैसे? मैं अभी दिल्ली में हूँ, सोचा मिलके आमने सामने बात करेंगे, इसलिए फोन काट दिया। मैं दिल्ली के बाद आगरा जा रहा हूँ, वहाँ से पेठा लाऊंगा। बंदूक वहाँ भर हुई, तुम दिल्ली में काहे चीख पड़े बछुआ? दादू भैया कहाँ है आप? हम वहाँ पर है जहाँ से तुम हमारे निशाने पर हो। मुझे मार के आपको क्या मिलेगा दादू? इस बार मेरे पास एक बढ़िया प्लान है। जो प्लान वा चूका तो अगली बार बल्ब की जगह तोरा माथा फटेगा। गुरुदेव हमें भी तो बताइए क्या है आपका प्लान। नहीं बताऊंगा, बस इतना समझ लो, किंग उत्तरांचल गया तो है पर वापस नहीं आएगा। ये तो मैं शादी के अगले दिन से सुनता चला रहा हूँ, प्लान कामयाब होगा? मुझे तो नहीं लगता कुछ होगा। फिर तुम्हारा शैतानी दिमाग किस दिन काम आएगा? कोई प्लान है क्या? सर फ्लाइट अभी अभी लैंड हुई है। तुम इस कंपनी में नई हो, उन्हें ठीक से वेलकम करना, बहुत बहुत अलर्ट है। आप मुझे इतना डराइए मत सर, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। So so sorry sir. Welcome sir. Sir, I'm Swapna sir. Please come. Let's go. Problem क्या है? Local mafia sir. वो workers को धमका रहे हैं, उन्हें काम पे आने से रोक रहे हैं। वो factory बंद करा के जमीन हड़प करना चाहते हैं sir. अब उन लोगों के होते हुए factory को चलाना हमारे लिए मुश्किल होगा sir. इसलिए हमारी राय है कि इस factory को बंद करना चाहिए। अगर कुछ गुंडों की वजह से 3,000 घरों की रोजी खतरे में, तो बजाय factory को ताला लगाने के, उन्हें ताले में बंद करना चाहिए। लेकिन वो बहुत खतरनाक लोग हैं सर। जंग का खौफ सिपाही को हो सकता है, लेकिन किंग को नहीं। सर फ्लाइट का टाइम हो गया, मैं होटल में वेट कर रहा हूँ। आप कहाँ हैं? मैं कब्रिस्तान में हूँ। कब्रिस्तान में? Are you okay? I'm okay. आज आपने किसी के मिसिंग होने की कंप्लेंट लिखाई थी? हाँ सर। आइडेंटिफाई कीजिए, क्या वो ये है? नहीं। ये? नहीं सर। क्या ये? क्या वो यही है? मेरा बेटा गायब है? ये सच है मैडम, मैंने कई पुलिस स्टेशनों में कंप्लेंट भी लिखवाई, पर आपके बेटे का कोई पता नहीं चला। एक पुरानी कहावत है, घर के चोर को तो भगवान भी नहीं पकड़ सकता।
तुम कहना क्या चाहते हो गोपी मोहन? किंग उत्तरांचल गया तो है पर वापस नहीं आएगा। किंग उत्तरांचल गया तो है वापस नहीं आएगा। किंग उत्तरांचल गया तो है पर वापस नहीं आएगा। अप्पा जी क्लीन बोल। ए गोपी मोहन, ये सब क्या है? आपके करतूतों का सबूत। इंस्पेक्टर डीसीपी। हाँ डीसीपी इंस्पेक्टर, अगर आप इनको अंदर करके डंडों का जुलाब चखाएंगे तो सच खुद ब खुद बाहर आ जाएगा। अप्पा जी साहब, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। चलूंगा ना, मेरे पास भी इसके खिलाफ कई सबूत है, मैं अभी तुमको दिखाता हूँ। हटो, रास्ता छोड़ो। हम अपना मोबाइल लाएंगे क्या? शिट, भाग गया। इतना बड़ा पेट लेकर आखिर वो कितनी दूर भागेगा? ढूंढो उसे, गिरफ्तार करो। कॉन्स्टेबल्स कम ऑन। गोपी मोहन, अच्छी तरह समझ गया हूँ तेरी शातिर चाल। किंग को तुमने मरवाया और मोबाइल फोन के रिकॉर्डिंग से अप्पा जी को फंसाया है। एक ही से दो शिकार है। भाभी जी, हम अपने अजय को वापस बुला लेते हैं। नहीं नहीं, वो सह नहीं सकेगा। वैसे भी मेरे राजा बेटे को कुछ नहीं होगा, तुम लोग फिकर मत करो। बाबा, मैंने सबको उम्मीद दिलाई है पर मेरी उम्मीद तो आप ही हैं। उसे मेरे पास सही सलामत भेज देना बाबा। सही सलामत, सही सलामत, सही सलामत। हाँ दीदी, किंग ने मुझसे कहा था कि वो सही सलामत वापस लौट आएगा। तुम चिंता मत करो दीदी, वो आ जाएगा। मैं जानती हूँ वो जरूर आएगा, हम सबके खातिर। बाबा उसे वापस जरूर भेजेंगे। नमस्ते भाई। क्या रे, फिर से आए तू? कहा था ना इधर नहीं आने का। तुम्हारा लीज पीरियड खत्म हो गया है, इसे अपनी बेटी की शादी करनी है। अगर तुम ये जगह खाली कर दोगे तो ये इसे बेचकर अपनी बेटी की शादी करेगा। तू कोई तुर्रम खान है क्या? नहीं, रघु रोकड़ा का आदमी हूँ। रघु रोकड़ा, रघु चोपड़ा, रघु थोपड़ा, चल फूट यहाँ से। चल चल निकल, पतली गली से चल निकल, चल निकल यहाँ। कंडला, नॉर्थ साइड कश्मीर, साउथ साइड कन्याकुमारी, ऑल साइड मिला के इंडिया बनता जहाँ का बच्चा बच्चा रघु रोकड़ा को जानता। ये रघु रोकड़ा है कौन? तेरे को चार मीनार मालूम? मालूम। ताजमहल मालूम? गेटवे ऑफ इंडिया मालूम? पर तेरे को रघु रोकड़ा नहीं मालूम? नहीं मालूम। तो चल तेरे को एक हिंट देता हूँ। जब रघु रोकड़ा का पड़ता फटका तो पूरा इंडिया नजर आता घूमता। अच्छा, कोई डाउट है? अब मालूम, रघु रोकड़ा तुम हो? करेक्ट, मैं हूँ रघु रोकड़ा। पिन की तरह घुसता हूँ और तलवार की तरह चीरता हूँ। यहाँ के मालिक ने मुझे सुपारी दी है ये जगह खाली करानी। नहीं की तो उसे बुरा लगेगा, और अगर उसे बुरा लगा तो तेरा बुरा हाल। अच्छा, कैसे? ऐसे। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, अभी पिक्चर देखेगा या यहाँ से निकलेगा? ए, ये क्या मारपीट हो रही है? देखो साहब, ये मुझे मारने लाए। तेरे को बोला ना जगह खाली का है? पुलिस वालों से दादागिरी करता है साले, गोली मार दूंगा। अरे